हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज है ईद का दिन एंड आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। एंड इस बार का ईद हम दुबई में मना रहे हैं एंड लास्ट ईद मैंने इंडिया में मनाया था। एंड आज मैं अपने फैमिली के सभी मेम्बर्स को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। लास्ट ईद पर हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था एंड यहाँ हस्बैंड गए थे ईद के नमाज़ पर। तो दुबई में बहुत जल्दी ईद का नमाज़ हो जाता है अर्ली मॉर्निंग, तो रश देखिए आप। और ये रहा मेरा आज का ईद का आउटफिट। तो इस बार मैंने बहुत सिंपल सोवर टाइप का ही लिया है, ज़्यादा जिग जग हैवी ड्रेस नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड उतना हैवी पहनना भी नहीं जाता। एंड इसका कलर मुझे काफ़ी पसंद आया, ये पीच कलर का ये ड्रेस है। एंड इसका बेस्ट पार्ट मुझे इसका दुपट्टा लगा, दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा एंड इसका कलर भी। एंड उसके साथ ही मैचिंग करके मैंने ये हील्स लिया है और उसके साथ ही मैंने क्यूट सा बैग लिया है और इस बैग का कलर मुझे काफ़ी पसंद आया। एंड आज मैं सोच रही हूँ कि गोल्ड ज्वेलरी पहनूँ क्योंकि गोल्ड मैं ऐसे ख़रीद लेती हूँ, ऐसे ही रखा रहता है, कोई ऐसा ओकेशन नहीं मिलता पहनने के लिए एंड इससे बेस्ट ओकेशन नहीं ये सब पहनने के लिए। तो ये बैंगल्स मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मुझे हस्बैंड ने एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था एंड ये नेकलेस बर्थडे पे गिफ्ट किया था एंड उसके साथ ही बैंगल्स, कुछ फिंगर रिंग्स, ब्रेसलेट वगैरह भी मैं सोच रही हूँ पहनूँ। और गोल्ड ऐसे ही मैं ख़रीद लेती हूँ और बाद में ऐसे ही रखा हुआ रहता है, यहाँ बाहर भी उतना लो यहाँ हैवी गोल्ड कैरी नहीं करते लोग और कैसा लगता है, इसलिए आज मैं सोच रही हूँ मैं ये पहनूँ। ये है जिदान का ड्रेस एंड जिदान के लिए भी मैंने सिंपल ड्रेस ही लिया है। तो ये डार्क ग्रीन कलर का स्ट्रिप पैंट एंड उसके साथ ही ये फुल स्लीव का टी शर्ट एंड उसके साथ मैंने उसके लिए शूज़ भी लिया है। एंड आपको जिदान का ड्रेस, मेरा आउटफिट कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और ये रहा हस्बैंड का कुर्ता पाजामा जो मेरी मम्मी ने उन्हें गिफ्ट किया था एंड मन्नवर से, और इसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा एंड हस्बैंड को भी ये कलर बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई थी बाहर और आज हम आ गए थे क्रिक पार्क और आप देखिए कितना ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एंड मैंने फ्रेंड्स गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहना क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था एंड मेरा आउटफिट के साथ भी वो मैच नहीं हो रहा था और बाहर ऐसा इतना हैवी और ऊपर से बहुत गर्मी, इसलिए मैंने स्किप कर दिया, मैंने नहीं पहना और मैंने सिंपल सा ही चेन पहन लिया। और यह हम आ गए थे क्रिक पार्क, हमने सोचा जिदान थोड़ा इन्जॉय कर लेगा एंड पार्क में वो बहुत इन्जॉय करता है, वहाँ चिल्ड्रन प्लेग्राउंड भी है, वो वहाँ भी बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। और आपको पता है दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बाहर बहुत ह्यूमिड है, इसलिए वैसे दोपहर में बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए यहाँ कितना ग्रीनरी है पार्क के अंदर, बहुत ही ग्रीनिश था। और ये पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपको 2 to 3 hours लग जाएंगे अगर आप पूरा पार्क का टूर करना चाहते हैं। तो जिदान देखिए यहाँ आते ही अपने मस्तियों में लग गया और यहाँ उसे पता है कैट दिख गया एंड जिदान को बहुत पसंद है कैट, वो कैट को म्याओ बोलता है, माओ बोलता है। और दुबई में दूसरा एनिमल्स उतना दिखाई नहीं देता है, सिर्फ कैट ही है जो काफ़ी जगह दिखाई देता है। एंड जिदान बाहर जाने से कैट देखने से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, उसको कैट बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जिदान तो इनफैक्ट कैट को टच करने चला जाता है, वो डरता भी नहीं है। एंड यहाँ देखिए हम माँ बेटे फ़ोटोशूट पे लगे हुए हैं एंड आज हमने खूब सारे पिक क्लिक्स किया है जो कि मैं वीडियो के एंड में ज़रूर ऐड करूँगी, आप लोग देखना। तो फ्रेंड्स, ये व्यू देखिए कितना ऑसम है, कितना प्यारा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीच पे आ गई हूँ।
एंड पीछे देखिए कितना ग्रीनरी, कितना ग्रीनिश। एंड यहाँ ये नदी है या क्या है, आई डोंट नो, इसे आई थिंक क्रिक एरिया कहा जाता है। एंड यहाँ बोट भी है, आपको राइड, आप राइड भी ले सकते हैं, बोट राइड। एंड यहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि मैं बीच पे आ गई हूँ। एंड मुझे पानी में जाने का बहुत मन था, लेकिन मेरा हील ख़राब हो जाता ड्रेस भी, इसलिए मैं पानी में नहीं गई। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मन था, एंड अगर मैं जाती तो जिदान भी आ जाता, इसीलिए मैं नहीं जा पाई। और ये देखिए यहाँ से पार्क का व्यू कितना अमेजिंग लगता है। एंड जिदान तो भाई काफ़ी इंजॉय कर रहा था, उसे काफ़ी मज़ा आया। तो अभी हम जा रहे चिल्ड्रंस प्ले एरिया, मैंने सोचा जिदान थोड़ा खेल भी लेगा। एंड बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी, तो देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ फिशिंग कर रहे थे, फ़िश पकड़ रहे थे। एंड मुझे भी मन था मैं भी फ़िश पकड़ूँ। तो काफ़ी गर्मी हो रही थी, तो मैंने सोचा जिदान का ड्रेस चेंज करवा लेती हूँ, क्योंकि उसने जो पहना था मुझे लग रहा था उसे गर्मी लग रही होगी। तो मैं उसके लिए एक एक्स्ट्रा ड्रेस भी लेकर गई थी, तो यह हस्बैंड उसे ड्रेस पहना रहे थे। एंड मुझसे वो बिल्कुल पहनना नहीं चाहता है, उसे हमेशा उसके पापा ही चाहिए शूज़ पहनने के लिए, ड्रेस पहनाने के लिए, हेयर स्टाइल करवाने के लिए। वो मुझसे बिल्कुल नहीं करवाता, उसे अगर कहीं भी हम अगर बाहर जाना चाहते तो हमेशा उसके पापा ही उसे ड्रेस पहनाते। मैं अगर पहनाना चाहूँ वो बिल्कुल मुझसे पहनना ही नहीं चाहता, उसे हमेशा उसके पापा ही चाहिए। एंड यहाँ का व्यू देखिए आप, माशाल्लाह कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। तो यह हम चिल्ड्रंस प्ले एरिया में आ गए थे। एंड जिदान को देखिए, उसे जंपिंग करना नहीं आ रहा था, वो दूसरे बच्चों को देखकर यह आ गया, लेकिन उसे बिल्कुल जंपिंग करना नहीं आ रहा था। तो यहाँ मैं उसको दिखा रही थी, लेकिन तभी भी वो डर रहा था, उसे जंप नहीं करना। एंड आज पता नहीं जिदान को क्या हुआ, वो किसी भी चीज़ में ना बैठना चाह रहा है ना खेलना चाह रहा है, वो सिर्फ चलता ही रहा। वो सिर्फ दूसरे बच्चों को देख रहा है, लेकिन खुद किसी भी चीज़ में वो बैठना नहीं चाह रहा है। पता नहीं आज उसको क्या हो गया। उसे तो पार्क बहुत पसंद है आकर खेलना वलना, उसे स्विंग बहुत पसंद है। एंड देखिए यहाँ भी हमने उसे हॉर्स में बिठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो यहाँ भी नहीं बैठना चाह रहा था, वो सिर्फ दूसरे बच्चे को ही देख रहा था। उसे खुद किसी भी चीज़ में ना बैठना है ना खेलना है, वो बहुत क्रैंकी मूड में था। आई थिंक उसे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, इसलिए शायद वो ऐसा कर रहा था। तो या हम आके बैठ गए थे, थोड़ी देर रिलैक्स कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रहे थे, काफ़ी थकावट हो रही थी। एंड जिदान को भी, लेकिन जिदान नहीं थकता, देखिए वो यहाँ भी भागदौड़ी कर रहा था, उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ से, वह भाग ही रहा था। एंड बार बार आके मुझे एंड हस्बैंड को किस भी कर रहा था, वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड तो देखिए यहाँ उसे काइट दिख गया, वो काइट के साथ ही बातें कर रहा था, उसने यह बैठ के सिर्फ काइट ही देख रहा था, उसे काइट काफ़ी मज़ा आया उसे काइट देख के। तो यह आप सब सुनना जिदान किस तरह काइट से बातें कर रहा है, चाइनीज लैंग्वेज में उसकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो काइट तो गार्डन पार्क cow. No, it's not a cow. Cow is cuckoo. No, it's a baby. Huh? It's a kite. Kite? Beautiful. Beautiful. Yes, kite, kite. Beautiful. Cuckoo is cuckoo. Not cuckoo, it's kite.
देखिए कैसे रात हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं चला कैसे टाइम चला गया। मैंने और हस्बैंड ने आज खूब सारी बातें की एंड जिदान ने भी वहाँ खूब सारी मस्ती की, बहुत खेला वो और काफ़ी थक भी गया है अभी। और अभी हम सोच रहे हैं निकल जाए, काफ़ी रात हो गया है। फैमिली के साथ टाइम कैसे चला जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता। जिदान को अभी भी नहीं जाना, वो घर नहीं जाना चाहता, उसे यहाँ ही रहना है। और रात को ये पार्क का व्यू देखिए और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, चारों ओर ग्रीनरी, लाइटिंग्स वगैरह। एंड वैसे भी दुबई रात को ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो चारों तरफ सिर्फ लाइटिंग्स, आपको सिर्फ लाइटिंग, इसीलिए दुबई को द सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है। एंड ये है कुछ ब्रिज है शायद, ये देखिए ब्लू कलर का ब्रिज कितना अच्छा लग रहा था। भी देखिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया है एंड मैंने बहुत कोशिश किया जिदान को चीज़ों में बिठाने के लिए, लेकिन वो देखिए यहाँ डर रहा है, उसे किसी भी चीज़ में नहीं बैठना, सिर्फ दूर से ही सारी चीज़ों को देखना है, इंजॉय करना है, लेकिन वो बैठना नहीं चाहता, उसे बस हर चीज़ दूर से ही देखना है एंड दूसरों को देखना है। तो यहाँ भी देखिए आप, वो किसी और को देख कर ही इंजॉय कर रहा है, उसे खुद किसी भी चीज़ में ना बैठना है, सिर्फ उसे चलना है और चीज़ों को ही देखना है। तो फ्रेंड्स यह हम पार्क से निकल चुके हैं एंड आज हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया एंड आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ इन्जॉय किया होगा, आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड आप सबका ईद कैसे गया आप सब मुझे ज़रूर बताना। और हमारा ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गया, हमने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। एंड आपको मेरा ड्रेस, जिदान का ईद का ड्रेस कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और आज का ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ एंड आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी के साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्द ही मिलती हूँ नया ब्लॉग के साथ, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।